बलात्कार के दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। संगीता उन्नाव के फतेहपुर 84 प्रथम से पंचायत चुनाव की सदस्य की उम्मीदवार बनाई गई थी। इसको लेकर बीजेपी के विरोधी सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद अब संगीता सेंगर का टिकट कट गया है। कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर, उनका टिकट कट गया है। पंचायत सदस्य की उम्मीदवार बनाई गई थी संगीता सेंगर, जिसके लिए बाकायदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तर्क भी दिया कि वो आधिकारिक प्रत्याशी नहीं है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे सहयोगी। संजय, पूरी जानकारी क्या है? देखिए आदर्श, संगीता सेंगर पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी है। 2017 में कुलदीप सेंगर का नाम आया था माखी कांड में, रेप केस जो बहुत चर्चित रहा था और सियासी हलकों में जिसकी चर्चा भी काफी ज्यादा हुई थी। उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था, चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में उनको उम्मीदवार बनाया गया था जिला पंचायत सदस्य की। तैयारी ये थी कि अगर चुनाव जीत जाती तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी इनके पास आ जाती और 2016 में संगीता सेंगर जिला पंचायत की अध्यक्ष रही भी हैं और अभी मौजूदा अगर सटीक बात करें तो अभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और भाजपा ने उनको अपने सिंबल पर उतारा था। लेकिन चूंकि कुलदीप सेंगर का जिस तरह का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके बाद उनको सजा हुई है रेप केस में, उसे देखते हुए इनका उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और इसकी इस मुद्दे को लेकर के एबीपी न्यूज ने भी खबर अपने यहाँ दिखाई थी और साथ ही साथ विपक्ष ने भी करारा हमला बोला था सरकार पर कि इस तरह के उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिनकी छवि दागी है, जो विवादित हैं और सरकार स्वच्छ छवि और सुशासन की बात करती है और ऐसे में संगीता सेंगर जैसे लोगों को टिकट देना को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे। तो अभी थोड़ी ही देर पहले जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, उन्होंने एक अपनी ऑफिशियल बाइट जारी करके ये बात कही कि उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। तो ये ताजा अपडेट है आदर्श, और अभी फिलहाल उम्मीदवार रद्द कर दिया गया, नया उम्मीदवार की घोषणा उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में की जाएगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।